हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो। ये वाला फोटो अभी बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग पर चल रहा है इंस्टा पर, आप लोगों को पता ही होगा। तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं ये वीडियो अपलोड करने में, तो लेकिन मेरा तो काम यही है कि आप लोगों को बताना कि क्या एडिटिंग चल रहा है अभी, मतलब ट्रेंडिंग पर क्या चल रहा है और किस तरीके से करना है, तो इसलिए बताना पड़ेगा आप लोगों को। और ये आप लोगों का हक भी है कि आप लोग मुझे बोल सकते हो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना, इसके ऊपर वीडियो बना। तो आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो मतलब कमेंट करोगे, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल है इसलिए मेरा मर्ज़ी से वीडियो अपलोड करूँगा, ऐसा कुछ बात नहीं है गाइज़। यार आप लोगों को क्या चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो सब मिलाकर आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दो ही PNG की बात है, बस PNG लगा और हो गया एडिटिंग। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो कर देना एक लाइक, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो और हाँ गाइस, इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना, ये इंस्टाग्राम का एडिटिंग है ना, तो इस बात पे तो एक फॉलो बनता है यार, तो फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ जाके आप भी फॉलो कर लो। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज ये रहा फोटो, और मैं इस फोटो को लाइटरूम के अंदर ओपन कर लिया हूँ, तो आप लोग भी लाइटरूम के अंदर ओपन कर लेना। तो लाइटरूम के अंदर ओपन करने के बाद सिंपली मैं पहले लाइट फिक्स कर लूँगा पिक्चर का। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पर कम करूँगा, और हाईलाइट पूरा फुल डिक्रीज कर दूँगा, शैडो थोड़ा सा इंक्रीज, और वाइट कम थोड़ा सा, और ब्लैक भी कम, ठीक है? देख लो क्या क्या किया हूँ सेटिंग यहाँ पर मैं। तो आप लोगों का पिक्चर अलग हो सकता है, बैकग्राउंड भी अलग हो सकता है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेना आप लोगों को जो भी मतलब अच्छा लगे वो, ठीक है? और आ जाऊँगा सिंपली कलर टूल पर, और कलर टूल पर आने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन इंक्रीज, और सेचुरेशन यहाँ पर मैं डिक्रीज कर देता हूँ इतना, ठीक है? तो यहाँ पर इतना कर दिया हूँ, और करने के बाद सिंपली जाऊंगा मिक्स टूल के अंदर। मिक्स टूल में आने के बाद सिंपली यहाँ पर जो ह्यू है, पहले ह्यू के मैं थोड़ा सा कम, सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है? और यहाँ पर आ जाऊँगा यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर में, और सैचुरेशन थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है? जो फेस का ऑरेंज ऑरेंज टाइप का यहाँ पर कलर था फेस के ऊपर वो चला गया है, और फेस को वाइट करने के लिए लूमियंस को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँगा, जितना वाइट चाहिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी हो गया है। अब येलो में आऊँगा, येलो का सैचुरेशन यहाँ पर मैं फुल डिक्रीज़, ठीक है? और यहाँ पर ह्यू को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आ जाऊँगा यहाँ पर ग्रीन कलर में, यहाँ पर सैचुरेशन जो है फुल डिक्रीज़, और ह्यू को थोड़ा सा कम हो गया है, और लूमियंस को थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ इसका, ठीक है? कुछ इतना कम कर देता हूँ, और जो येलो है येलो का भी लूमियंस कम कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है? और आ जाऊँगा सियान कलर में, सियान कलर का फुल इंक्रीज डिक्रीज़ कर दूँगा सेचुरेशन, और ब्लू कलर का भी डिक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है? तो अब आ जाऊँगा, आप लोग ब्लू कलर का डिक्रीज जो सेचुरेशन है वो डिक्रीज़ नहीं भी कर सकते हैं, आप लोग सिंपल भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन का कलर है मेरा वो ब्लू था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक फ़ोन अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेचुरेशन डिक्रीज़ कर दिया हूँ, ठीक है? तो ये भी हो गया है। और यहाँ पर मैं लास्ट जो कलर है यहाँ पर पिंक कलर यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर ह्यू को मैं देख लूँगा कौन सा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज़ करने से अच्छा लग रहा है तो डिक्रीज़ कर देता हूँ, सेचुरेशन यहाँ पर मैं फुल इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो ये भी हो गया है, बहुत बढ़िया। ऊपर से मैं डन कर देता हूँ। अब जो जो करना होता है यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मेरा रोज़ वीडियो देखते हो, तो यहाँ पर टेक्स्चर यहाँ पर थोड़ा सा कम मतलब डिक्रीज़ करूँगा पिक्चर के अंदर स्मूथनेस डालने के लिए, 25 या 30 डाल सकते हो, तो मैं 30 डाल देता हूँ यहाँ पर, मतलब डिक्रीज़ कर देता हूँ। और क्लियरिटी थोड़ा पर यहाँ पर डालूँगा, थोड़ा एकदम 6, ठीक है? और बिगिनर ऑप्शन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो पिक्चर के अंदर फीलिंग्स नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं 40 डिक्रीज़ कर देता हूँ, और आ जाता हूँ इस ऑप्शन पर, शार्पनिंग डालूँगा सेम, ठीक है? जो भी हर पिक्चर में करता हूँ सेम, कलर नॉइज़ रिडक्शन और नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है? हो गया है। और यहाँ पर मैं सिंपली ऊपर आऊँगा यहाँ पर सिलेक्टिव टूल पर, ये वाला टूल, ठीक है? तो ये वाला टूल आप लोगों को जो प्ले स्टोर वाला वर्सन है लाइटरूम का, उस वर्सन में नहीं मिलेगा अनलॉक, उस वर्सन में लॉक मिलेगा। तो आप लोगों को अनलॉक वर्सन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, आप लोगों के पास अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो प्लस का आइकन, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और बीच में जो राउंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर फोटो के बीच में कुछ इस तरीके से क्लिक करूँगा, और कुछ इस तरीके से मैं इसको लंबा कर लूँगा इधर से, और थोड़ा सा मोटा भी कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर बीच में जो रेड डॉट है, सॉरी गाइस यार, पबजी खेलते खेलते यार रेड डॉट निकल रहा है मुँह से, बीच में जो यहाँ पर ब्लू डॉट है उसको पकड़ के रहना है आप लोगों को, मतलब होल्ड करके रहना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं होल्ड करके रखा हूँ, और देख सकते हो तो ये वाला ऑप्शन निकलेगा, तो आप लोगों को इनवर्ट मास्क कर देना है, ठीक है? और इनवर्ट मास्क करने के बाद
यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली कलर में आना है और एक्सपोजर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरीके से। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा, हाईलाइट यहाँ पर कम करूँगा, ठीक है, और शेडोज भी यहाँ पर कम करूँगा, कुछ इतना कम कर देता हूँ, और वाइट भी कम और ब्लैक भी कम। तो कुछ इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना जो भी आप लोगों को मतलब यहाँ पर मोटा करना है या पतला करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं कर लिया हूँ। एंड सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर डन हो गया है, सिर्फ इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है, ऊपर से डन कर देना है। और गाइस यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस और यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल पिक्चर को सेव कर लेना है, ओके। सो गाइस लाइट रूम में रिटचिंग करने के बाद सिंपली आप लोगों को आ जाना है पिक्सट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं पिक्सट के अंदर फोटो को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सिंपली दो चीज़ करना है, दो चीज़ नहीं, एक ही चीज़ में मतलब एक ही बारी में हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर ऐड फोटो से दो PNG ऐड करना है। दो PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद वो जो PNG है आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो से कर लेता हूँ ऐड। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं ऐड कर लिया हूँ। तो आप लोगों को अब सिंपली क्या करना है दिखा देता हूँ। ये जो PNG है और इसको साइड पर रखो थोड़ी देर के लिए, और ये जो PNG है इसका जो ब्लेंड मोड है आप लोगों को नीचे आना है, ब्लेंड मोड पर आना है, ये देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, इसको स्क्रीन कर देना है और कुछ इस तरीके से जूम करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जूम करने के बाद एकदम कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा देना है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से लगा दिया हूँ। और ये जो PNG है, कलर PNG, इसको क्या करना है, इसका भी जो ब्लेंड मोड है इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, ठीक है। और इसका अमाउंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसका जो ओपासिटी है ओपासिटी में आऊँगा और ओपासिटी यहाँ पर 50 करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ ओपासिटी 50 कर दिया हूँ, और कुछ इस तरीके से मैं जूम करके लगा दूँगा। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फोटो अब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ बिफोर वाला, मतलब ये तो PNG लगाने से मतलब जो लाइटरूम से रिटचिंग करने के बाद जो यहाँ पर PNG लगाए हैं उसके बाद दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो फोटो जो ये वाला फोटो बहुत ही सिंपल है करना, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना सिंपल है। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।